दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना इंडियन रुपीज होता है, इसके बारे में हम कैसे चेक करें, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज लगभग घटता ही रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसका पता कैसे करें कि आज के डेट में एक डॉलर बराबर कितना इंडियन रुपीज है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ये जो क्रोम ब्राउजर है इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्च और टाइप वेब एड्रेस, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आप यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, $1 इन इंडियन रुपीज, ठीक है, ये लिखना है। लिखेंगे जैसे लिख के सर्च करना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे बोल के भी इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बोलने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे हमको बोलना है $1 इन इंडियन रुपीज, ठीक है। तो जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के डेट में यहाँ तारीख भी लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के डेट भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 सितंबर 11:33 के आज के डेट में एक डॉलर बराबर इतना यहाँ लिखा हुआ है। बगैर एक बार मैं आपको मार्क करके देता हूँ, $1 लगभग 80 रुपये के आसपास है, ठीक है। आप यहाँ ग्राफ की सहायता से भी आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 5 ईयर या 1 ईयर का देखना है तो ये 5 ईयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लगभग इंडियन रुपीज़ घट ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं कि चेंज करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर और इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है। आपको अगर पता करना है कि इंडियन रुपीज़ के मुकाबले नेपाली या फिर किसी और स्टेट में, तो मैं यहाँ पे इंडियन एंटर करूँगा, यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपको जैसे नेपाल का पता करना है कि नेपाल में इंडियन रुपीज़ के मुकाबले कितना चल रहा है, तो यहाँ पर नेपाल वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं कि 1.63 रुपीज़, ठीक है। आज की डेट में एक डॉलर बराबर नहीं, एक इंडियन रुपीज़ बराबर 1.63 रुपीज़ नेपाली चल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करते हैं जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। धन्यवाद।